हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे अब पॉलिटिकल साइंस में, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, दैट इज कि राइट एन एसे ऑन दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डील कर रहे हैं। तो सेम वही इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन। बॉडी पार्ट में हम देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है और चैलेंजेस क्या हैं, ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंट्रोडक्शन में देखोगे, हम कर सकते हैं कि पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर करता है उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का जिसमें पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्निंग वो किसके हाथ में दे दी जाती हैं, जो लोकल पीपल्स हैं या जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रैदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो लोकल मतलब है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया का जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूलिंग है, वो किसके हाथों में है, वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोकल पीपल्स हैं, उनके हाथ पे है, ना कि कोई हाई अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप ऑफ। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को, इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ये टाइप ऑफ गवर्नेंस है, इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ, आप कनेक्ट कर पाओ शायद इस एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में क्या होते हैं, वीसी होंगे या तो प्रिंसिपल होंगे, ओके। तो हम इसे हायर अथॉरिटी मान लें फॉर एग्जांपल, राइट। तो सारा जो वीसी ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस से डिसाइड होता है ना कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, एग्ज़ाम कब होंगे, किस मोड में होंगे, जैसे ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, राइट, क्लासेस कैसे चलेंगी, राइट, कितनी क्लासेस होंगी, एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अगर अब उस कॉलेजेस में वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये चार डिपार्टमेंट्स मान लिया, ये हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, फिलोसफी डिपार्टमेंट एंड ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, राइट। तो अब इन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर डिसीज़न लेने या क्लासेस कैसे रन करनी है, इससे रिलेटेड डिसीज़न लेने की कुछ ऑटोनॉमी, कुछ पावर दे दी जाए इन डिपार्टमेंट्स को, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। कि भाई सारा कुछ ये वीसी या प्रिंसिपल ऑफिस तय करके इनको सर्कुलर नहीं दे रही है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट को ये सिस्टम फॉलो करना है, गेटिंग इट। और फर्दर ये सारे डिपार्टमेंट्स अगर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कंसल्ट करें, मीटिंग्स करें या कॉन्फ्रेंस करें, कुछ भी करें, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इंगेज करें स्टूडेंट्स को, फिर कोई डिसीज़न लें और वही डिसीज़न इनको पास करें, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट हैं इस केस में, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं सिविक इंगेजमेंट। तो आपको भी अच्छा लगेगा ना कि भाई आपके डिपार्टमेंट के जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपका भी से है, आपको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको एम्पावर्ड फील होगा, राइट, कि नहीं भाई हमारा भी सी है, हमारी भी कोई वैल्यू है। अगर यही होता कि यहाँ पे वीसी ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस से सीधे डिसीज़न ले लिया गया कि इस मंथ में एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, और ये पैटर्न होगा, ये होगा, सेंट्रलाइज्ड तरीके से इन डिपार्टमेंट्स को नोटिस भेज दी गई, इन डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट को नोटिस भेज दिया और एग्ज़ाम डन, तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। तो यही होता है पॉलिटिक्स में भी, गवर्नेंस में भी, जहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सब अगर तय कर ले तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोनॉमी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल। और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। भाई डेमोक्रेसी तभी होगा ना जब हर एक इंडिविजुअल को ये लगेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरा भी से है, मेरी भी वैल्यू है, मैं भी एम्पावर्ड हूँ उस डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस का, मैं भी हिस्सा हूँ। तो यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया ना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का।
तो गॉट दी बेसिक कॉन्सेप्ट ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनॉमी पार्टिसिपेशन क्या है. जब भी ये कॉन्सेप्ट आया वीसी और प्रिंसिपल ऑफिस वाले एग्जाम्पल ध्यान रखना तो याद रहेगा आपको इससे. अब इसके एडवांटेज क्या हैं, हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. मेन एडवांटेज अगर हम देखें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, तो सबसे पहले इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग. देखो जो स्टूडेंट, जैसे वीसी वाला केस याद रखना, उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया गया था, उनसे पूछा गया भाई ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड चाहिए, कब तक एग्ज़ाम होना चाहिए, क्लासेस कैसे चलनी चाहिए, या डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे होना चाहिए, डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, सेमिनार होना है, कैसे होना है, ये सभी चीज़ें. तो जो स्टूडेंट हैं दे आर मोर अवेयर विद दी ग्राउंड रियालिटीज़. इसी तरीके से जब एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस की बात आती है, तो हमारे जो मान लीजिए गांव है ना, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मान लीजिए एग्रीकल्चर होता है, तो दे आर मोर अवेयर कि भाई एग्रीकल्चर के साथ क्या इश्यू है, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इरिगेशन का इशू है, फर्टिलाइजर का इशू है, मार्केट का इशू है क्या, वेजेस का इशू है, लेबर का इशू है, क्या इशू है. तो जो फार्मर्स हैं वो बेटर अवेयर हैं ग्राउंड रियलिटीज से. तो जैसे मान लीजिए फार्मर बिल्स जब बनाया गया, तो उसमें अगर ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या कहती है कि फार्मर्स को भी कंसल्ट करना चाहिए था जब फार्मर बिल बनाया गया. ओके तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेजर एडवांटेज यही है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इफेक्टिव होती है, इफिशियंट होती है, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड के जो फैक्ट हैं वो उनको कंसीडर करते हैं यहाँ पर. गेटिंग इट. नेक्स्ट जो एडवांटेज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके नीड्स क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, हम उन्हें बेटर एड्रेस कर पाते हैं. भाई ग्राउंड रियलिटी, जो लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो लोकल बॉडीज़ होते हैं ना, वो उनको बेटर पता होता है कि हमारी कम्युनिटी की समस्या क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उन्हें पता है कि हाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई. तो जो हमारे प्रधान होगा, जो हमारे मेंबर्स होंगे, उन्हें बेटर पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो गांव है, इनकी समस्याएं क्या हैं. पानी, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, राइट, किस चीज़ की, एजुकेशन की समस्या है, सड़कों की समस्या है, किस चीज़ की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है. तो जो नीड्स और कंसर्न है कम्युनिटीज़ के, उनको बेटर एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जो लोकल ऑफिशियल है ना वो फैमिलियर है कि हमारी कम्युनिटी में किस तरीके की प्रॉब्लम प्रेजेंट है. तो इस तरीके से आप बेटर टारगेटेड पॉलिसीज़ और प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि उस कम्युनिटी में जिस तरीके की समस्या होगी, उस समस्या को ध्यान में रख के टारगेट करके आप एक पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा, मनरेगा के थ्रू देखा गया कि जो रूरल एरियाज़ में है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को वेजेस नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट रूरल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करना है, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके लिए एक टारगेटेड पॉलिसी बनाई गई मनरेगा, जिसमें लोगों को रोजगार भी दिया गया 100 डेज का, और जो रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे तालाब, सड़कें, उनको भी बनाया जा रहा है. तो गेटिंग इट कि हम कैसे जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी नीड्स और कंसर्न को बेटर एड्रेस कर सकते हैं. अब जो मान लीजिए ऊपर बैठा है हायर अथॉरिटी में, उसे क्या पता कि गांव में, लोकल एरिया में किस तरीके की प्रॉब्लम है. गेटिंग इट. आर नेक्स्ट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को. क्यों? क्योंकि जो लोकल ऑफिशियल है, जो प्रधान है, जो मेंबर्स हैं, ये डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं पीपल को जिन्हें वो सर्व कर रहे हैं. अब मान लीजिए जो हमारे पीएम है, प्रेसिडेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या ये पीपल्स को डायरेक्टली अकाउंटेबल है? नहीं ना भाई. हमें कोई समस्या है तो क्या हम अब पीएम के पास जाके अर्जी लगा सकते हैं क्या? भाई इतना इजीली एक्सेस नहीं है. पूरे भारतीय लोग अगर पीएम को जाकर अर्जी लगाने लग जाएंगे तब तो हो गया. तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रधान,
हम को, कब कोई भी हमें गांव वालों में से जा सकता है प्रधान के घर, उससे मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। यह जो प्रधान है उसके जो वो एक्शन ले रहा है, जिस तरीके के कार्य कर रहा है, उसमें हम बेटर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं कि भाई प्रधान जो पैसे आए वो सही से काम खर्चा किया कि नहीं, रोड बनी कि नहीं बनी, तालाब बने कि नहीं बने, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम बेटर ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो ये एक मेजर एडवांटेज हो गई। नेक्स्ट ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने जो इलेक्टेड ऑफिशियल हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं उनके एक्शन के लिए। ये हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि हम बेटर सुपरविजन कर पा रहे हैं जो हमारे लोकल ऑफिशियल हैं या लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे प्रधान फॉर एग्जांपल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अकाउंटेबल का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, और अगर कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, जो कंसर्न हैं, उनको एड्रेस कर पाने में सक्षम नहीं है लोकल गवर्नमेंट जैसे कि प्रधान, तो हम भाई उसको बोल सकते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप 5 साल प्रधान रहे फिर भी हमारे गांव में कोई तालाब नहीं बन पाया, या हमारे गांव की जो रोड्स हैं वो पक्की नहीं हो पाई, आप 5 साल आपने क्या काम किया। तो हम इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं किसको? जो हमारा जो प्रधान है उसको। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो हमारा लोकल ऑफिसल्स होते हैं उनको हम बेटर टारगेट कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा, जो लोकल ऑफिसल्स होंगे उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी ना। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे गांव की रोड नहीं बनी, हम जाएंगे प्रधानमंत्री को बोलेंगे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रधानमंत्री कहेगा हमारे नीचे तो MP काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र का, MLA काम कर रहा है, प्रधान काम कर रहा है, वो जिम्मेदार है, राइट। इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम दी जोक आगे चलते हैं कि क्या एडवांटेज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो वही, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है प्रमोट करता है सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सिविक इंगेजमेंट। जैसे ना कि हमारे डिपार्टमेंट वाले हमें हमें भी शामिल कर रहे थे मीटिंग्स में कि भाई बताओ एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जाएं ऑफलाइन कराए जाएं। तो हमने बोला ऑनलाइन कराए जाएं भाई, तो हम एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए गए, तो हमें इम्पावर्ड फील हुआ, हमें लगा नहीं भाई हम इस कॉलेज का हिस्सा हैं, हम इस यूनिवर्सिटी कैंपस का हिस्सा हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आई क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें शामिल किया गया। और इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ सिविक इंगेजमेंट आती है कि हमारा भी एक राइट है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि भाई हम भी वोट देते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमें भी शामिल किया जाए कि हमारे गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो, तो हमारा उसमें से है। तो सिविक इंगेजमेंट, जो सिटीजन्स हैं, जो लोकल पीपल्स हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ दैट एरिया, गेटिंग इट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो लोगों को क्या लगता है हमें क्या मतलब, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे गवर्नेंस हो रहा है, हम तो 5 साल में जाते हैं वोट देकर आ जाते हैं, बस इतना हमारा काम है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा सकता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, पीपल फील दैट दे हैव से इन द गवर्नेंस। वही सेम चीज़ आ गई ना जो हम लोग कह रहे थे कि भाई डिपार्टमेंट में भी हमारा से है, यूनिवर्सिटी के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें हमारे स्टूडेंट की सुनी जाती है, हमें कंसल्ट किया जाता है। तो इस तरीके से लोगों को लगता है कि जो गवर्नेंस हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, हमारे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, उस डेवलपमेंट सिस्टम में हमारा भी से है। हमें लग रहा है कि भाई तालाब इस एरिया में नहीं इस एरिया में होना चाहिए, अगर मान लिया जाता है हमें लगेगा नहीं भाई हमारा से है क्योंकि लॉजिकल था फॉर एग्जाम्पल। या बोला जाए कि हमारे क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है पब्लिक स्कूल, उसको बनाना चाहिए, फिर उसको मान लीजिए लोकल ऑफिशियल्स कंसीडर करते हैं, वहाँ पे स्कूल बनता है, तो आप इम्पावर्ड फील करोगे कि नहीं फील करोगे, सेंस ऑफ कम्युनिटी आएगा कि नहीं आएगा। कि इस तरीके से जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल कंसर्न हैं, उनको एड्रेस करने में हमारा भी एक रोल है। इस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो डेवलप होती है,
और हम एक सेंस ऑफ सोशल कैपिटल स्टैब्लिश कर पाते हैं, सोसाइटी में हार्मनी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, एवरीबडी वुड बी सेटिस्फाइड, क्योंकि जो पॉलिटिकल अफेयर है उसमें सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, सबको अपनी आवाज़ रखने का मौका मिल रहा है, राइट, सबको अपना से है, राइट, सभी उसमें क्या अपना अपना डिसीजन, अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, तो सोशल कैपिटल जनरेट करने में ओवरऑल हेल्प मिलती है. सोशल कैपिटल अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझना होगा तो हम लोग डिटेल में से फिर कभी समझ लेंगे एक सेपरेट वीडियो में. ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, तो अब भाई अच्छी अच्छी बातें तो हमने देख ली कि भाई हाँ, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बहुत अच्छा है. क्वेश्चन पूछा गया है एसी ऑन दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शो करेंगे कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं. तो प्रॉज हमने देख लिया, पॉजिटिव चीज़ें देख ली. अब कुछ चैलेंजेस भी होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, राइट, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम देख रहे हैं, तो चैलेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट आता है फाइनेंस का, फंडिंग, भाई पैसे, काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, मनी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, तभी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट. जैसे मान लीजिए कॉलेज, आपको अपने डिपार्टमेंट में कोई सेमिनार करना है, सारे स्टूडेंट ने कहा नहीं कि भाई सेमिनार होना चाहिए, फेयरवेल होना चाहिए, फ्रेशर पार्टी होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, उसके लिए क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा, तो वीसी ऑफिस कहेगा भाई हम तो पैसे नहीं देंगे, अपना देख लो, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रीब्यूट करोगे ना आपस में, आप ही पे बर्डन पड़ेगा वो चीज़ें. तो यही चीज़ होती है जब गवर्नेंस सिस्टम होता है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, इनमें पैसों की बड़ी कमी होती है, क्यों, क्योंकि इनके रेवेन्यू सोर्सेस तो बहुत कम है, और काम इतने ज़्यादा करने हैं, इन रोड बनानी है, तालाब बनानी है, गार्डन बनाना है, मतलब नहीं, ये सा स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल चलाने हैं, लाइटिंग करनी है, सैनिटेशन देखना है, ओके, इसके बाद से ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है, काम बहुत सारे हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, क्योंकि रेवेन्यू सोर्स, भाई उन सारा टैक्स तो किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इन लोकल ऑफिशियल्स को पैसे कहाँ से मिलते हैं, जो हमें अलॉट किए जाते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू देगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू देगी, बट वो उतना सफिशियंट नहीं होता है जिसमें कि हम जो लॉन्ग टर्म हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो प्रोग्राम है उनको हम सही से एग्जीक्यूट कर पाएँ. तो डिफ़िकल्टी ड्यू टू लैक ऑफ फंड, ये प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्ट आती है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, प्रोग्राम बनाए थे, उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है. सो नेक्स्ट आता है इशू ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब है एक्सपर्टीज होना या ट्रेंड रिसोर्सेज होना. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, राइट, उन्हें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इसलिए ट्रेंड किया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाएँ. तो उनके पास क्या है, रिसोर्सेज भी है, एक्सपर्टीज़ भी है. जब बात आती है लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स की या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास मैन पावर है, वो इतनी ट्रेंड नहीं होती है. फॉर एग्जांपल हमारे प्रधान हो गए या जो मेंबर्स हो गए, उनको ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स तो नहीं दी गई है कि जो टेक्निकल नॉलेज हो उनके पास और जो एक्सपर्टीज़ हो, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उस एरियाज की, उसको वो सॉल्व कर पाएँ, राइट. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम जो जो कंसर्न होते हैं, जो नीड्स होती हैं सोसाइटीज़ को, उनको टैकल करने के लिए, राइट. तो ये एक प्रॉब्लम आती है, मेजर चैलेंज आता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं हमारे जो पर्टिकुलर एरिया से भी, स्पेसिफिक एरिया से भी बिलोंग करते हैं. मुझे कमेंट करना कि आपके यहाँ पर या आपको क्या लगता है कि जो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और क्या चैलेंजेस फेस करती है. अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या आप किसी प्रधान फैमिली एंड ऑल से बिलोंग करते हैं, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, तो मुझे कमेंट करना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेस करती है, इन दो के अलावा, बजट और कैपेसिटी, जो एक्सपर्टीज है इसके अलावा, ओके. तो आपके ओपिनियंस मैटर करेंगे, क्योंकि हम उन्हें वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं.
अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम देखें कि कई सारे एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के एग्जाम्पल लें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम इसे देखते हैं. लोग अब इसे इस्टेब्लिश किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में. देन आप वो अर्बन लोकल में देखेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्बन एरियाज़ के गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए. वहाँ से रिलेटेड जो लॉ होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ये सारा काम इनका रहता है. अदर कंट्रीज़ में भी आप देख लें चाहे USA हो चाहे कैनेडा हो वहाँ पर भी आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा. जैसे कैनेडा में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंसेस होती है और उन प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है लोकल गवर्नमेंट्स में जैसे म्यूनसिपैलिटीज़. और उनका काम है अपने अपने म्यूनसिपल एरियाज़ में लॉ को इन्फोर्स करना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एंड ऑल. तो ये कुछ एग्जाम्पल देकर आप जो AC ऑन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हो. लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को और आज का डिस्कशन भी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम में. राइट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमने ऊपर देखा, बट उन चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकते हैं. हमें अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहिए, जो सिविक पार्टिसिपेशन है उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए. ये कैसे कर सकते हैं? सिटीजन्स को आप एजुकेशन दो, उन्हें लिटरेट बनाओ, उनको अवेयर बनाओ कि नहीं भाई इन पॉलिटिकल अफेयर में भी आपको भी शामिल होना चाहिए. इस तरीके से क्या हो सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम मोर इफेक्टिव एंड इफिशियंट बना सकते हैं. राइट, और कम्युनिटीज़ को अगर इम्पावर किया जाए तो वो बेटर एड्रेस कर सकते हैं अपने कंसर्न को, अपने इश्यूज़ को, और इस तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग एंड मोर रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है, आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आज का डिस्कशन भी आपको अच्छा लगा होगा. कॉमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन कैसे लगा. अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कॉमेंट कर लेना. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, आपके कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको कंटेंट वर्थफुल लगता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.